दिल्ली की बहुत नामचीन स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बॉयज लॉकर रूम। यानी BDSM की बातें हो रही है वहाँ पे, रेप की बातें हो रही है, वेरी डार्क इंटीमेट सेक्सुअल प्लेजर्स की। और सोचिए बच्चों की उम्र क्या है, एक लड़की का है तो जब वो कॉलेज में थी आज से 6 साल पहले, तब उन्होंने, ये आम बात हो गई है आजकल की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल मोमेंट्स की अपने कंसेंट से, अपने शौक के लिए। बट वो वीडियो कहीं से उसके फ़ोन से बाहर, लेकिन बॉयफ्रेंड के फ़ोन पे थी, वहाँ से बाहर गई एंड वायरल हो गई उनके कॉलेज में। अब इस बात को 6 साल हो गए। छः साल बाद 6 महीने पहले मुझे वो लड़की की बहन का फ़ोन आता है कि मैम दीदी का वीडियो फिर बाहर आ रहा है। अगर लोग यही सोचते हैं कि वीडियो वायरल करना ये उनका अप्रोच है, तो ये अप्रोच ही सबसे पहले गलत है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो अपने आप प्रसिद्धि मिलने ही वाली है, तो आपने वायरल सी के पीछे नहीं भागना है, आपने अपना एफर्ट के पीछे भागना है। ये सोशल मीडिया पे जो फेम होता है ये कितने दिनों का होता है? कोई भी उदाहरण ले लो, जिसका वीडियो वायरल होता है वो तब तक ही है जब दूसरा नहीं आ जाए। सो 24 घंटे भी अगर चल गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये इंस्टेंट हुआ तो। किसी का स्टेटस देखो, सच सच बताओ उसमें से कितनी बार खुशी होती है और कितनी बार जलन होती है। लॉकडाउन के टाइम पे तो मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते थे कि मैम पता नहीं क्यों मैं कितनी भी फोटो ले लूं मेरी बिरयानी की, वो ऐसी दिखती ही नहीं है। बहुत कुछ आप आज देखिए, आज कहीं समझो रोड पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पहले कोई रोकने जाता था, अब पहले लोग फोन निकाल के पहले वीडियो ले रहे होते हैं। इनफैक्ट मेरी जो योगा टीचर आती है, उनका इंदौर में उनके हस्बैंड का मर्डर हो गया। मर्डर होते हुए लोगों ने उसके बालकनी से, किसी ऊपर बालकनी से वीडियो बना रहे, नीचे कोई नहीं आया किसी उसने बचाने के लिए। नमस्कार, आज हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट हैं निराली भाटिया, जो कि आपको सोशल मीडिया की काली सच्चाई बताएंगे। इस जाल में इतने फंसते जा रहे हैं लोग, कौन सा जाल? सोशल मीडिया का एक जाल है, वो बाया जाल भी बनता जा रहा है और उसमें लोग फंसते जा रहे हैं, और ये कैसे काउंसल करके उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लोगों को निकालती हैं ये आज हमको बताएंगी। सो वी हैव निराली विथ अस एंड अनदर कर्ली टेल ऑन द मेकिंग, और वो आपको बताएंगी कैसे सोशल मीडिया लाइफ को सक कर रहा है। वेलकम निराली, एंड से समथिंग अबाउट यू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर। मैं निराली भाटिया, मैं बॉम्बे से हूँ। आई एम अ प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकोथेरेपिस्ट। मेरा एरिया ऑफ रिसर्च है साइबर साइकोलॉजी। इंडिया में ये नया टर्म है, बट है तो ये 25 से 30 साल पुराना डोमेन। बेसिकली हम इंटरनेट इनेबल टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर को किस तरह से इम्पैक्ट कर रही है इसकी स्टडी करते हैं। ओके। और इसके अलावा मैंने अपनी एक संस्था शुरू की है जो कि एंटी साइबर बुलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा। उसका नाम है साइबर बाप, विच स्टैंड्स फॉर साइबर बुलिंग अवेयरनेस एक्शन एंड प्रिवेंशन। ओके। सो यहाँ हम साइबर बुलिंग के विक्टिम्स की हम गाइडेंस करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एंड अगर उन्हें पुलिस केस करना है तो हम उसमें भी उन्हें हैंड होल्ड करते हैं। सो हमने एक ऐप निकाला है जिसपे आप अगर किसी टाइप के ऑनलाइन हैरेसमेंट के शिकार हो तो आप उस ऐप पे डाउनलोड करके रिपोर्ट कर सकते हो। हमारी टीम में काउंसलर्स हैं ट्रेंड, वो आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि साइबर दुनिया के जो भी घाव है वो दिखते नहीं है, इनविजिबल वुंड्स होते हैं। बिल्कुल। तो कोई आपको समझ नहीं पाता है और आप अंदर ही अंदर दर्द में जूझते रहते हो, अकेला महसूस करते हो, एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें गिल्ट भी बहुत होता है। बिल्कुल। तो हमें भी शर्म आती है कि हम लोगों से कैसे बोले। अब समझिए जैसे आपकी फोटो लीक हो गई हो, तो आपको ये डर लगा रहता है कि सबसे पहले तो लोग मुझे पूछेंगे कि तूने ऐसी फोटो खींची क्यों, और खींची तो फिर शेयर क्यों करी, अब शेयर करने के बाद लीक हो गई है। तो ये डर के मारे हम बोल नहीं पाते हैं। और अंदर ही अंदर से एकदम से घुटते रहते हैं, एंड यहाँ इतनी घुटन हो जाती है क्योंकि सामने से आपको कोई थ्रेट भी कर रहा है, बुली भी कर रहा है कि मैं वीडियो वायरल करूंगा या फोटो वायरल करूंगा, तो फिर आप सुसाइडल थॉट्स पे चले जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे जहाँ
पुलिस के पास जाना आसान नहीं होता, किसी से बात करना आसान नहीं होता है, तो हमारी संस्था यहाँ पर काम करती है. हम उन्हें इनकरेज करते हैं कि आप हमें रीच आउट करिए, हमारी टीम आपको मदद करेगी. फैमिली से कैसे बात करनी है इसके बारे में, अगर केस करना है तो पुलिस से कैसे बात करनी है, ये सब काम. वैसे सोशल मीडिया एक तरह से लोनलीनेस तो देता ही है. अब सोचने वाली बात यह है कि नाम इसका सोशल है, लेकिन ये कम्प्लीटली हमें एंटी सोशल बना रही है. बिल्कुल. सो इस दुनिया में आप बस अकेले ही हो, अपने ही हिसाब से चल रहे हो, अपने घर के किसी कोने में बैठ के एक छोटे से मोबाइल पे आप दिन भर लगे रहते हो अकेले, एंड फिर भी आप नाम इसे देते हो सोशल. सोशल का मतलब है आप लोगों से मिलो, बातचीत करो, बाहर जाओ, बट ये कम्प्लीटली अपोजिट है. बिल्कुल. सोशल मीडिया पे है ना प्रसिद्धि पाने के लिए लोग तरह तरह के मतलब तरीके अपना रहे हैं. वो तरीकों मतलब क्यों ऐसे, क्या क्या तरीके हैं प्रसिद्धि पाने के लिए कर रहे हैं वो लोग? अब सोशल मीडिया की दुनिया ने ना हमारी जिंदगी को इस तरह से बदल दिया है कि सारे वैल्यू सिस्टम्स ही चेंज हो गए हैं. हम जब छोटे होते थे तो हमें कहा जाता था कि आप मेहनत करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छे काम से आपका नाम होगा. बट सोशल मीडिया ने ये बहुत आसान कर दिया है कि आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप मतलब बिना सर पैर की कोई चीज कर लो फिर भी आपका नाम हो सकता है. तो अब फोकस पूरा जितने भी लोग इस जाल में हैं उनका यही है कि मैं कैसे फेमस हो जाऊं, और ये प्रसिद्धि पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं. जैसे मतलब example, बदन जैसे की नुमाइश से लेकर पैसों की बारिश तक हमने सब होते हुए देखा है. तो अगर आप मुझे ये पूछो कि लोग क्या करते हैं, तो कुछ भी, मतलब हम जो नहीं सोच सकते हैं वो भी करते हैं. एंड बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें ऐसा लगता है अच्छा ये करने से भी पैसा मिल जाएगा. जैसे हमने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं, वो जो एक बुजुर्ग आदमी थे जिन्होंने वो गोविंदा के सॉन्ग पे डांस किया और ओवरनाइट सेंसेशन बन गया. और किया क्या अलग से, कुछ भी नहीं. बट ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं. अभी इनफैक्ट दिल्ली में ही हुआ था ये होली में, दिल्ली मेट्रो में, जहाँ दो लड़कियों ने होली खेल के डांस वांस करे थे. एंड अगर आप देखो तो क्या हम नॉर्मल बिना सोशल मीडिया वाली दुनिया में कभी ऐसा सोच भी सकते थे? तो इस तरह से हमारी सोच को धीरे धीरे इसने बदल दिया. और हमारी साइबर साइकोलॉजी इसी की स्टडी है कि ये क्यों हो रहा है. तो मतलब ये आप कहना चाहेंगे कि जो एंजॉयमेंट है वो अब सोशल मीडिया के लिए रह गया है. कहीं घूमने जाते हैं, अरे भाई यहाँ सेल्फी ले लें ताकि वो इंस्टाग्राम पे डाल दें, ताकि ना लोगों को ये रहेगा कि अरे ये तो स्विट्जरलैंड घूम के आई है, ये तो यहाँ घूम के आई है. अब यहाँ तक ये रह गया सिर्फ. मेरे को लगा आपको इसका एक बहुत अच्छा केस बताती हूँ, और ये वाकई में मेरे क्लाइंट्स के साथ था. सो बच्चे छुट्टियों में बाहर जाते हैं पेरेंट्स, तो बच्चों में ये आपस में अब कंपटीशन हो रहा है कि अगर उसके दोस्त यूरोप जा रहे हैं तो हमें भी यूरोप जाना है, कोई और कहीं जा रहा है तो कहीं और जाना है. तो ऐसे ही मेरी एक छोटी सी क्लाइंट है, आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, तो बहुत परेशान थी. तो मैंने पूछा परेशान क्यों हो, तो कहती है कि पापा ना हॉलीडे के लिए बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे केरला. केरला भी कोई जगह होती है, मेरे सारे दोस्त यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं. तो बहुत ही अपसेट थी, उसने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था, रोना ही चल रहा है कि मैं कहीं जाऊंगी नहीं ये वो. तो मैंने उनके माँ बाप को बुलाया, मैंने पूछा उनको कि भाई आप समझाओ बच्चे को एंड क्यों ये हो रहा है. तो बोले वो मानने को ही तैयार नहीं है, बस क्योंकि उसके दोस्त जा रहे हैं बोले कि मेरे को शर्म आएगी इंस्टाग्राम पे मैं केरला की फोटोज डालूंगी. तो फिर उसके पापा ने एक तरकीब निकाली. उन्होंने क्या किया कि बॉम्बे में स्टूडियो में गए. अच्छा. तो स्टूडियो वाले को बोला तू मेरे को सारे पेरिस के बैकड्रॉप्स दे दे, मैं अपनी बेटी को एक साथ में एक डजन ड्रेस लेके दे दूंगा. ये शायद कोई मूवी में भी दिखाया दिखाया. बट इस दुनिया में हम रह रहे हैं. अब इससे क्या हो गया, बच्ची खुश, खुश. कि उसको तो इंस्टाग्राम के लिए चाहिए था. और पापा खुश, पैसे बच गए, बच्चा भी खुश हो गया. तो दिस इज द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन. ये लगता मजाक है लेकिन आप सोचने जाओ तो हम इतनी शैलो वर्ल्ड में आ गए हैं अभी कि फर्क नहीं पड़ रहा है मैं पेरिस जाऊं नहीं जाऊं, बस मेरी फोटो वहां होनी चाहिए. एंड ये तो फिर भी 4 साल पहले की बात है. अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. अब तो हमें स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऐप डाउनलोड करके उसको बोलना है पुट मी इन फ्रंट ऑफ आईफिल टावर एंड मैं वहां हूं. अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो फेम होता है ये कितने दिनों का होता है? मतलब जिंदगी, जैसे अभी कोई यंग बंदा आ जाता है कि हाँ मैं कर रहा हूँ, दिन रात
लगा हुआ है, रात में भी लगा हुआ है, दिन में भी लगा हुआ है, मेरे को ये करना है, वो करना है, वो करना है, पर एक तरह से तो उसकी लाइफ स्टेगनेंट हो जाती है ना, उससे फिर वो निकल के आगे दुनिया, मतलब उसके लिए क्या रह जाती है फिर। ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि ये जो फेम को हम इतना उसको चेस कर रहे हैं, हर किसी को, आप आज किसी भी बच्चे को पूछ लो, बच्चा तुमको बड़े होके क्या बनना है, तो बोलेगा यूट्यूबर बनना है, गेमर बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, क्योंकि वहां से क्विक मनी है एंड इंस्टेंट फेम है। लेकिन ये सच्चाई कोई नहीं देख रहा है कि वो फेम कितना शॉर्ट लिव्ड है। कोई भी उदाहरण ले लो, जिसका वीडियो वायरल होता है वो तब तक ही है जब दूसरा नहीं आ जाए। सो 24 घंटे भी अगर चल गया तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये इंस्टेंट हुआ तो। यस, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, जैसे हमने कर्ली टेल्स की बात की, तो उनकी जर्नी आप देखिए, उन्होंने एक्चुअली मेहनत की है, वो उस इंडस्ट्री से आती हैं एंड एक कॉन्स्टेंट एफर्ट है। बट ये सोशल मीडिया की वर्ल्ड हमें सिर्फ हाईलाइट रील दिखाती है, यानी बेस्ट मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, उसके पीछे की मेहनत नहीं बताती। तो हमें सिर्फ यही लगता है कि बस हमें जाके वीडियो शूट करना है, ये हो गया, यहाँ का ले लिया, एंड वी शुड बी ओवरनाइट सेंसेशनली एकदम फेमस, पर ये नहीं होता है। अगर आप में टैलेंट है और आप मेहनत करने को तैयार हो, तो आपका फेम सोशल मीडिया में भी एंड रियल वर्ल्ड में भी लंबा चल सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि बस एक वायरल वीडियो मिल जाए, फिर तो आप दुआ करो कि दूसरे वाले को एटलीस्ट 24 घंटे से ज्यादा लग जाए, तो उतना लंबा आपका फेम चलेगा। सो व्हाट डू पीपल डू कि है ना हमारा कंटेंट है ना वायरल कैसे हो, वायरल कैसे हो, तो उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं वो लोग? मुझे तो ऐसा लगता है कि पूजा पाठ से लेके जादू टोना तक सब कुछ ही कर लेते हैं। क्योंकि अगर लोग यही सोचते हैं कि वीडियो वायरल करना ये उनका अप्रोच है, तो ये अप्रोच ही सबसे पहले गलत है। अगर आपने काम अच्छा किया है तो अपने आप प्रसिद्धि मिलने ही वाली है, तो आपने वायरल सी के पीछे नहीं भागना है, आपने अपना एफर्ट के पीछे भागना है। बट जहां अप्रोच ऐसा होता है, फिर तो हम कुछ भी करने को तैयार है। मेरे को एक्चुअली ऐसे, मतलब बच्चे हैं तो देखो, बच्चे तो मन के साफ होते तो सीधा बोल भी देते, ऐसे नहीं कि मन में रखेंगे। तो ये 11th स्टैंडर्ड का बच्चा है, अच्छा खासा गेम खेल लेता है ऑनलाइन, एंड उसे कुछ तो एक हैक मिल गया एक पर्टिकुलर ऑनलाइन गेम का। तो मुझे आके बोलता है, अब मेरे पास ना एक की है जिससे मैं भी वायरल हो जाऊंगा। तो मैंने बोला, कर तो तेरे को वायरल बुखार हुआ था, अब तेरे को और कितना वायरल होना है? तो हंसने लग गया, मेरे को बोलता है, नहीं नहीं मैम, मेरे को सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो ये मैं करूंगा। एंड उसने वो वीडियो बनाने से पहले एक्चुअली बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, 25 बार पढ़ा, ताकि बस मेरा वीडियो वायरल हो जाए। अच्छा, तो यहाँ ऐसे शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो चलो, इसने सामने आके बोला, कितने सारे लोग, आप कितनों भी पूछ लो, इट इज समटाइम्स लक जो जिसके लिए ये कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है और या फिर मेहनत नहीं कर रही। बस जैसे कि आपने, मैंने एक बार आपने ही वो जिक्र किया था कि एक्स ट्विटर पे, हाँ जी, वो जो वीडियो, अगर आई थिंक चर्चा में भी रहा वो, कि बंदे ने पेट्स यानी यू नो डॉग्स एंड इनको भी नहीं छोड़ा है। सो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है ना, कि जितना भी डार्क कंटेंट है, नेगेटिव कंटेंट है, इसे तुरंत अटेंशन मिलता है। तो अब इसकी सीमा नहीं रही है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये जो एक्स पे वीडियो जो वायरल हुआ था, उसने एक्चुअली डॉग के संग किया और वायरल हो गया, और वो डाला भी इसलिए था कि वो वायरल हो जाए, करेक्ट, वो अटेंशन के लिए, बाद में लेकिन पकड़ा गया। वही देखिए कि अटेंशन कितना रहा, तो ये नहीं देख पा रहे हैं लोग। बस सबको ये है कि एक दिन एटलीस्ट मैं वायरल हो जाऊं। एंड ये इस वजह से भी है कि इंटरनेट की दुनिया ऐसी कि यहाँ हम जो भी डालते हैं ये कहीं जाता नहीं है, भले वो टेम्पररी ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर हम सर्च करेंगे तो मिलने ही वाला है। तो इस उम्मीद में बहुत लोग ये कर लेते हैं एंड ये नहीं सोचते हैं कि इसका आउटकम क्या रहेगा, कॉन्सिक्वेंस क्या रहेगा। क्योंकि मैंने अपने सोशल मीडिया वाले से बोला, मैंने कहा मेरे कई एजुकेशनल कंटेंट नहीं चल रहे, ये नहीं चल रहे, तो उसने मेरे को बोला, कहता है कि ये उधर ही रहेगा, आज नहीं चला तो 2 साल के बाद तो आपका चलेगा चलेगा। तो मैं उस उम्मीद से हूँ कि मेरा जरूर सब, मेरा एजुकेशनल कंटेंट सब देखेंगे। एंड नेगेटिव और जो सेंसिटिव कंटेंट जो ये वायरल हो जा रहे हैं, तो ये व्यूअर्स क्या इम्पैक्ट लेके देखते हैं, कि क्यों देखते हैं, कि उनका सोशल साइकोलॉजी क्या है उनकी?
इसे हम डार्क साइकोलॉजी कहते हैं. अच्छा. और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है. इनफैक्ट हमारे जो साइकोलॉजी के फादर हैं, फाउंडर फादर लाइक सिगमंड फ्रॉयड जो हैं, उनका बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च था डार्क साइकोलॉजी में. एंड सदियों पहले भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था. तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है वो वैसे ही बहुत रहस्यमयी और अट्रैक्टिव लगती है. अब सोशल मीडिया के चलते ये हो गया है कि जो हम खुलेआम सोसाइटी में सवाल नहीं कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये जो अनोनिमिटी हमें देता है, उस चक्कर में लोग ये अपने सारे जो डार्क इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसे एक्सप्लोर करने लग गए हैं. तो तभी आप देखोगे कि बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम और ऐसे किस्से हो रहे हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इसके बारे में बात करते हैं. तो ये केस आई विल टेल यू, ये दिल्ली का ही था. लॉकडाउन के टाइम पे एक्सपोज हुआ था. दिल्ली की बहुत नामचीन स्कूल के बच्चे हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था बॉयज लॉकर रूम. और ये सारे बच्चे हैं उम्र 13 से लेके 16 तक के, यानी क्लास 7 से लेके क्लास 10 तक के. अब बॉयज हैं, आपस में बात कर रहे हैं. वहां पे उन्होंने अपनी सारी डार्क फैंटेसीज के बारे में डिस्कशन हो रहा था कि उन्हें कैसे किसी को सेक्सुअली अप्रोच डोमिनेट करना, यानी BDSM की बातें हो रही है वहां पे, रेप की बातें हो रही है, वेरी डार्क इंटीमेट सेक्सुअल प्लेजर्स की. और सोचिए बच्चों की उम्र क्या है. अब उस उम्र में आजकल तो अपनी पर्सनल न्यूड फोटोज शेयर करना ये बहुत आम बात हो गई है. इनफैक्ट जिस परसों रिसर्च आया है, और ये रिसर्च ग्लोबल है, इसमें इंडिया भी शामिल है, कि 1 out of 10 यूजर, खास करके बच्चे, अपनी न्यूड फोटोज शेयर कर रहे हैं. तो उस लॉकर रूम पे लड़कियों की, एंड ये सारी लड़कियां अंडर 18 हैं, उनकी कुछ न्यूड फोटोज सर्कुलेट होने लग गई और ये बॉयज इसके बारे में इस तरह से बातें कर रहे थे. दिस वाज अ दिल्ली ग्रुप. इट वाज अ दिल्ली स्कूल चिल्ड्रंस ग्रुप, अ स्पेसिफिक स्कूल के बच्चे, एंड उनका ये ग्रुप था. एंड इट सो हैपेंड कि उस ग्रुप में जिन लड़कियों की फोटोज थी, उसमें से अब इंटरनेट की दुनिया भले है, देती है हमें, बोलती है कि आप अनोनिमस रह सकते हो, लेकिन यहां से कब कौन स्क्रीनशॉट ले रहा है, कहां पे फॉरवर्ड कर रहा है, ये पता नहीं चलेगा. तो इसी तरह जिस लड़की की फोटो वायरल हो रही थी वहां पे उस ग्रुप पे, एंड जिस पे ये सब चर्चा हो रही थी कि इसे मुझे ऐसे रेप करना है, ऐसे इसमें रॉड डालनी है, लाइक बियॉन्ड इमेजिनेशन डार्क स्टफ, तब वो किसी के और फोन पे फॉरवर्ड हुई, एंड उसमें से वो उसकी बड़ी बहन के पास गई. एंड मुझे याद है इसलिए ये केस, क्योंकि मुझे रात को 3 बजे फोन आया था कि मैम मेरी सिस्टर के साथ ये हो रहा है, एंड वो सिर्फ रोए जा रही है, मैं क्या करूं. अच्छा. और नेक्स्ट डे एज अ विसल ब्लोअर ट्विटर पे किसी ने ये डाला, एंड फिर वो पूरा केस सामने आया. ओके. बट कहने का ये है कि सोसाइटी में ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं है. पहले लेकिन बंद दरवाजों के पीछे होता था, एक्सेस लिमिटेड था, सोच लिमिटेड थी, क्योंकि दुनिया इतनी ग्लोबल नहीं थी. हम वहीं से सीखते सुनते हैं जो हमारा एनवायरनमेंट होता है. आज हमारा एनवायरनमेंट ग्लोबल हो गया है, तो हम तो दुनिया के हर कोने से सुन रहे हैं. तो हमारे भी इस तरह से काल्पनिक डार्क फैंटेसीज हम इस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं. एंड अब ये जब एज इनअप्रोप्रिएट होता है, अगर छोटे बच्चों की मानसिकता ऐसी है, तो आप सोचो बड़े होके वो क्या कर सकते, क्या करेंगे, जो कि आजकल हो ही रहा है. यस. तो डरावनी बात यहाँ से शुरू होती है. एंड इसीलिए हम इसे काली दुनिया बोलते हैं, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है. देखिए, दुनिया में रहने के नियम क्यों बनाए थे, ताकि हम एक दूसरे से अच्छे से, रिस्पेक्टफुली, भाईचारे से रह सके. बिल्कुल. अगर हमें बैक टू वे, और सोशल मीडिया हमें पीछे धकेल रहा है. एक्चुअली तो ये लोग सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर अब बिल्कुल नहीं. हम एक्चुअली रिग्रेस हो रहे हैं. हम अपने सारे, हमारा एडुकेशन, हमारा एक्सपोजर जो हमें बेहतर बनाना चाहिए, कि हम छोटी छोटी भावनाएं हैं जैसे ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, इससे जब हमें ऊपर उठ के एक्सेप्टेंस की तरफ जाना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ एंड विजडम, हम रिग्रेस हो रहे हैं. आप आज व्हाट्सएप खोल लो, व्हाट्सएप तो हर कोई यूज करता है, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो. व्हाट्सएप में आप स्टेटस खोल लो, किसी का स्टेटस देखो, सच सच बताओ, उसमें से कितनी बार खुशी होती है और कितनी बार जलन होती है. लॉकडाउन के टाइम पे तो मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल्स आते थे कि मैम पता नहीं क्यों मैं कितनी भी फोटो ले लूं मेरी बिरयानी की, वो ऐसी दिखती ही नहीं है. एंड इससे लोगों को डिप्रेशन हो रहा था. डिप्रेशन. तो ये अच्छा, दूसरी फोटो किसकी अच्छी है, तुम्हारी सहेली की. सहेलियों के लिए हमने खुश होना चाहिए कि हमें जलना चाहिए. और ये कॉन्स्टेंट हो रहा है. एक्चुअली मेरी भी आदत बहुत थी डीपी चेंज करने की,
मेरी डॉटर इन लॉ ने मेरे को रिस्ट्रिक्ट किया कि नहीं आप है ना नहीं चेंज करो, दो दो तीन तीन साल तक एक ही फोटो रहनी चाहिए. तो मैंने कहा ठीक है ओके. नहीं सर, अच्छा डीपी से मैं आपको बताती हूँ अब इसमें क्या नुकसान है. डीपी में डीपी तो हम रख लेते हैं कि चलो एक रिकग्निशन हो जाता है, पर हम अगर इसकी सिक्योरिटी नहीं रखते हैं तो हर कोई देख लेता है. आज तो नंबर हम हर किसी का सेव करते हैं, दूध वाले से लेके बर्तन वाले का या कोई भी, आप बाहर जाओ. तो ये मेरे किसी क्लाइंट के साथ हुआ था, उनकी गाड़ी बॉम्बे पुणे एक्सप्रेसवे पे बंद पड़ गई. अच्छा। गाड़ी की कुछ बैटरी का इशू हुआ तो गूगल करके बैटरी वाले का नंबर लिया. अब नंबर लिया तो हम सेव तो कर ही लेते हैं, काम हो गया, हाईवे पे बच गए जान, थैंक यू बोले चले आगे. 15-20 दिन बाद वो जो नंबर उन्होंने सेव किया था वहां से उनको अपनी ही फोटो का एक पूरा ये आता है कोलाज, एंड आई लव यू मैडम. अब सोच अब ये तो चलो हम तो हंस रहे हैं, बट आप ये सोचो कि अगर हंसना नहीं रुकता, क्योंकि कौन है हमें भी नहीं पता. ये तो किसी जो एक साइड में काम करता है उस बंदे का फोन था, ये तो हमें पता था. दुकान में गए उसको दो थप्पड़ लगाए तब समझ में आया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो आपकी फोटोज को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता. निराली, आजकल काफी लोग विक्टिम हो जा रहे हैं साइबर बुलिंग और ट्रोलिंग के, तो कुछ ऐसे केस हिस्ट्रीज आपके पास आई होंगी कि मतलब जहाँ लोगों को आपने बचाया है, निकाला है? Yes, बहुत सारे ऐसे हैं. इनफैक्ट हमारी संस्था में हमने 8,000 से 9,000 विक्टिम्स के साथ काम किया है. ओके. मैं ज़रूर एक दो केसेस बताऊंगी. सो एक केस है जो दोबारा शुरू हुआ है. ये एक लड़की का है, तो जब वो कॉलेज में थी आज से 6 साल पहले, तब उन्होंने, ये आम बात हो गई है आजकल की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपस में अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं स्पेशल मोमेंट्स की अपनी कंसेंट से अपने शौक के लिए. बट वो वीडियो कहीं से उसके फ़ोन से बाहर, लाइक बॉयफ्रेंड के फ़ोन पे थी, वहाँ से बाहर गई एंड वायरल हो गई उनके कॉलेज में. तो बहुत बड़ा मसला हुआ था, तभी पुलिस केस हुआ था, पकड़ा गया, बॉयफ्रेंड के किसी दोस्त ने किया था एंड पुलिस ने मैटर निपटाया था. उसे थोड़ी सजा भी हुई थी एंड वीडियो वगैरह क्लियर भी करवाया था. अब इस बात को 6 साल हो गए. छः साल बाद 6 महीने पहले मुझे वो लड़की की बहन का फोन आता है कि मैम दीदी का वीडियो फिर बाहर आ रहा है. अच्छा. तो ये सोशल मीडिया की सबसे बुरी बात है कि ये हमें कभी कुछ भूलने नहीं देगा. कभी भी कुछ भी वापस आ सकता है. आज वो लड़की शादीशुदा है, प्रेग्नेंट है, अच्छी जॉब करती है, फैमिली वाली है. तो अब आप सोचिए कि इसका क्या कहर, उसको डर लग रहा हो रहा कि नींद उड़ गई है. वो एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट्स पे जाने वाली है, बट वो प्रेग्नेंट है तो हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है. सो कंटिन्यूस काउंसलिंग, लेकिन जो फियर के साथ वो जी रही है कि पता नहीं वो वीडियो कब कौन देख ले. और दूसरा ये है कि जैसे ही हम इसके बारे में बात करते हैं लोग सर्च मारना शुरू कर देते हैं. आप जैसे सर वो सर्च इंजन में आगे आ जाएगा, जैसे कोलकाता रेप केस का जो चल रहा है, अब भी स्टैटिस्टिक्स आया कि बिकॉज वो न्यूज में आया ये केस कि वो रेप केस है, ये तो सोशल मीडिया का केस भी नहीं है. फिर भी सोशल मीडिया एंड ओवरऑल इंटरनेट पे आज टॉप ट्रेंडिंग वो है कोलकाता केस, एंड लोगों को और जानना है और जानना, तो इस वजह से वो इतना पॉपुलर हो जाता है एंड फिर हर कोई अपनी अपनी वर्जन कर लेता है. ये नहीं सोचता है कि जो विक्टिम है जिसके साथ ये हुआ है वो भी इंसान है, कंटेंट मटेरियल नहीं है. बिल्कुल. ऐसा एक और केस मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक यंग सी लड़की थी, आई थिंक मिड 20s की. उसने, शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट, तो वो अपने वीडियोस वगैरह बनाती थी ये वो, एंड उसे कोई इंस्टाग्राम पे थ्रेट करने लग गया. अच्छा. कि तेरी ये वीडियो को मैं अभी मॉर्फ करूंगा, इसे मैं न्यूड करूंगा एंड वायरल करूंगा अगर तुमने मुझसे बात करना नहीं शुरू किया. शुरुआत तो बात करने से हुई थी, फिर तो डर के मारे उसने बात करी वैसे. अच्छा. चैट पे थोड़ा बहुत, लेकिन चैटिंग होती का है, आजकल तो सेक्सटिंग ही हो जाती पर है. तो उसने, लड़की ने ब्लॉक क्यों नहीं किया उसको? क्योंकि उसे ये डर था कि वो तो पब्लिक, मतलब बिजनेस कर रही थी, तो उसका अकाउंट ओपन है, उसकी बहुत सारी वीडियोस हैं, तो वो तो डर हमेशा रहता है कि यार कहीं कोई उठा के
वो डाल ना दे ऐसे हाँ, किसी स्टोरी में जाके टैग नहीं करते, क्योंकि सफाई का तो अपने ऊपर है, हमें सब पूरी दुनिया को सफाई देनी पड़ेगी क्योंकि ये मैंने नहीं किया है। सो वो डर के मारे उसने बोला चलो बात ही करनी है तो मैं बात करके समझा दूंगी ये सोच के। बट बात होती कहाँ है, आधे एक घंटे बाद तो सीधा सेक्सटिंग पे आ जाते। और यहाँ भी यही हो गया कि फिर वो बंदा अब उससे सेक्सुअली हैरेस करने लग गया कि मेरे साथ रात गुजारो, मुझे मिलो, मुझे ऐसी फोटोज भेजो, ये सब बात। अब इसने एक्चुअली इसको बहुत परेशानी होने लगी। तब इसने हमारी संस्था को अप्रोच किया एंड हमने उसकी हेल्प करी एंड हमने उसे हिम्मत दिलाई कि हमें इसके बारे में कंप्लेन करनी चाहिए क्योंकि ये उम्र में भी थोड़ी बड़ी है, अंडर 18 नहीं है, तो चलो मेंटली हम इसे सपोर्ट कर सकते हैं। उसने हिम्मत दिखाई और हमने ये केस किया और पता चला उसका पड़ोसी है, पड़ोसी जो बचपन से दोस्त हैं वो लोग। एंड क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी कि मैं लड़की से सामने बात करके बोलूं कि मुझे तुम पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ यू नो आई वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप और समथिंग, उसने सोशल मीडिया पे ऐसे कर दिया। बट इस चक्कर में उस लड़की पे इतना गहरा सदमा लगा कि भरोसा कैसे करें किसी पे। अब वो पूरा टाइम इसी डर में रहती कि पता नहीं कौन क्या है, कि अगर कोई भी रैंडम मैसेज भी आ जाता है तो उसे हमेशा यही लगता है कि ये किसने भेजा है, अब ये लोग क्या मांगेंगे। तो इसका जो आउटकम है ना ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि आपको फ्रेंड्स भी सोच समझ के बनाने चाहिए कि आपको कुछ पता नहीं कि आपके कोई जान पहचान वाला ही आपको सोशल मीडिया पे ट्रॉल कर रहा है। सी सोशल मीडिया वर्ल्ड में ना कौन स्क्रीन के पीछे है ये हमें नहीं पता है। बिल्कुल, आप कोई भी आज अकाउंट देख लो, अगर इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि यहाँ पे वेरीफाई करिए। अब ये दुनिया कैसे चलती है कि आपको कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, आप उसमें देखोगे चार म्यूचुअल फ्रेंड है तो आपको लगेगा हाँ चल ठीक है म्यूचुअल है तो मैं भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन एक मिनट लगता है, वो चार म्यूचुअल में से कम दो को तो पूछिए कि आप इनको जानते हो क्या, फिर पता चलेगा उन्होंने भी ऐसे ही एक्सेप्ट किया था क्योंकि उनको दिखाया था कि और दो म्यूचुअल है उनके। तो ऐसे जब आप ट्रैक करोगे किसी का म्यूचुअल नहीं होता है। सो इसीलिए आपको ये नहीं पता चलता है कि जो आपको फॉलो कर रहा है वो वाकई में आपका दोस्त है या नहीं है या कौन है। बिल्कुल, और स्क्रीन के पीछे से लोगों में इतनी हिम्मत आती है क्योंकि देखिए सामने सामने करने में अलग फेस नहीं कर पाते वो लोग। बट स्क्रीन के पीछे आप अपने घर में हो, आप तो शेर हो अपने घर में, तो आप कुछ भी कर लेते हो। अब सेलेब्स की लाइफ ले लीजिए, कितना मतलब उनका जो प्राइवेट मैटर होता है वो पब्लिक हो जाता है। इतनी क्यूरेटेड लाइफ जीनी पड़ती है कि भाई मतलब एकदम प्रॉपर प्रिम एंड प्रॉपर रहना पड़ता है। ऐसे तो वो भी बर्न आउट फील करते हैं और फिर उनको, क्योंकि उनको सोशल मीडिया पे एवरी टाइम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो क्लिक, कहीं घर से निकल रहे हैं तो क्लिक, तो मतलब क्या है ये सब चीज, क्या है मतलब क्यों? देखिए लोगों को फैंटेसी क्यों है, मतलब सेलिब्रिटी फैंटेसी क्यों है? Aren't they satisfied with their lives? अब दुनिया जो हमारी है ना ये एस्पिरेशंस पे चलती है, उम्मीद। हमें हर किसी को एक एस्पिरेशन होती है कि मुझे भी ऐसा बनना है वैसा बनना है। तो पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी तो कुछ लोग ऐसे थे, जैसे हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ले लो, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ले लो, ये अपनी मेहनत से सेलिब्रिटी बने थे, कुछ टैलेंट से एंड कुछ लाइक एक्चुअली अपने लुक्स पे काम किया है ये वो। तो वो वहां तक की एस्पिरेशन में हमारे कॉमन मैन के पास ये एक्सेप्टेंस थी कि हाँ मतलब हर कोई तो अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते हैं, हर कोई तो यू नो कटरीना कैफ नहीं बन सकता है। बट अब सोशल मीडिया ने ये जो इन्फ्लुएंसर्स कैटेगरी है यहाँ पे ये मिनी सेलिब्रिटीज हो गए हैं जी। और ये तो सारे हमारे जैसे आम लोग हैं, तो अब ये जो था कि हर कोई कटरीना नहीं बन सकता ये बदल गया है। अब हर किसी को लगता है कि हर कोई कर्ली टेल बन सकता है, हर कोई इन्फ्लुएंसर बन सकता है। तो ये इस प्रेशर में, ये उम्मीद में हम इन्हें इतना ज्यादा स्टॉक करते हैं ये समझने के लिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो ये बन गए। एंड इनकी भी फेम एक हमेशा एक कॉस्ट के साथ आता है। ये पैकेज डील है कि आप जब पब्लिक फिगर बनते हो तो आपकी एक पब्लिक इमेज मेंटेन करने के लिए आपने वो परफेक्शन रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि आप पब्लिकली अलग हो एंड प्राइवेट लाइफ अलग रखते हो, लोगों को आपकी प्राइवेट लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट होता है। जैसे मैंने कहा, जो चीज हमें इजीली नहीं मिलती है उसका हमें वो रहस्य जानना ही होता है कि क्या कर रहे, तभी तो बिग बॉस चल रहा है। वरना अगर हम सोचे तो मुझे ऐसा लगता है कि
किसी इंसान को दूसरे के घर में, दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है उसमें क्यों इतना इंटरेस्ट है, बट दिस इज द सोशल नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जैसे आप दीपिका पादुकोण का ही ले लीजिए, आपने बोल रहा था कि हमने देखा कैसे कैसे सोशल मीडिया पे सारे लोग जज और जूरी बन जाते हैं। उसने हील क्या पहन ली, लोगों ने यहाँ तक डिसाइड कर लिया और जजमेंट बना लिया कि इसकी तो प्रेगनेंसी भी फेक है, फेक है कि भाई इसने तो सिर्फ तकिया लगाया हुआ है, कराई सरोगसी है ताकि पब्लिक को लगे कि इसी ने कराया हुआ है। तो एक्चुअली हमने एक बार ये सोचना चाहिए, दीपिका हमारी क्या लगती है, क्या लगती है, सही हमारे को क्या हक बनता है कि हम दीपिका पे कमेंट करें कि तुम हील पहनो नहीं पहनो, कि ऐसे घूमो या वैसे घूमो, या सरोगेसी करो या नॉर्मल करो, एंड उसको बोलने का मौका तक नहीं दिया, हमने जजमेंट पहले ही बना लिया। तो सोशल मीडिया हमें एक्चुअली जज बना रहा है, जज एंड जूरी बना रहा है बिना वकालत के। बिल्कुल, बस सब अपने हिसाब से अपनी जजमेंट्स कर लो और ये नहीं सोचते कि कल इसका टारगेट आप खुद भी हो सकते हो। बिल्कुल, सोशल मीडिया पे आ जाते हैं फिर ना, मतलब एक ये स्क्रॉल करते हैं कितने फॉलोअर्स बने, कितने लाइक्स बने, अगर जान पहचान वालों ने लाइक नहीं किया, अरे उसने तो लाइक नहीं किया, मतलब ना वैलिडेशन मतलब चाहिए होता है कि भाई मतलब ये नहीं किया, और उसके बाद एक जो अपना सेल्फ वर्थ होता है वो धीरे धीरे लूज करने, ट्रू, फिर वो अपन हम लोग जैसे मैं भी सोशल मीडिया वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भाई दूसरों से पूछने लगते हैं, हेल्प लेने लगते हैं कि भाई आप कुछ बताइए, कि मतलब व्यूअर से पूछ लेते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब ये कहाँ तक आपकी लाइफ को सक कर रहा है? देखिए खून तो पूरा ही निचोड़ रहा है। हाँ बिल्कुल। अब ये बात ये हो गई कि जैसे हमारी साइकोलॉजी में हम कहते हैं कि हमारा एक लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, वो लोकस ऑफ कंट्रोल हमारा सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। पहले ऐसे होता था कि हमें कहीं जाना है, जैसे समझो मैं आज यहाँ पे रिकॉर्डिंग पे आ रही हूँ, तो मैं घर से तैयार होंगी, शीशा सामने है, मैंने देखा हाँ मुझे ठीक लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस बना हुआ है। अब इसमें एक स्टेप और आ गया है कि मैं एक सेल्फी लूंगी, फिर वो सेल्फी मैं ऑनलाइन डालूंगी, और रास्ते भर में आते हुए मैंने देखा यार इस फोटो पे तो कोई लाइक ही नहीं आ रही है, तो अब शुरू हो जाएगा मेरा सेल्फ डाउट, मतलब मैं सही नहीं लग रही हूँ, या किसी ने कुछ गलत कमेंट भेज दिया कि कुछ मजाक लिख दिया ऐसे, कि इस मामले में हमारा कॉन्फिडेंस पूरी तरह से चेंज हो जाता है। यही पहले जो शीशा देख के हम कॉन्फिडेंट हो जाते थे, अब सेल्फ डाउट में चले जाते हैं कि क्या बात है कोई लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, क्या इज इट नॉट ओके, इज इट नॉट गुड, इस तरह से। सो कम्प्लीटली अपना लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल हो गया है, और इस वैलिडेशन के चक्कर में परफेक्शन का जो प्रेशर बढ़ गया है लोगों पे, बिल्कुल, कि जरा भी ऊपर नीचे हो गया तो हम एंग्शियस हो जाते हैं, एंड ये कंटिन्यू रही अगर एंग्जाइटी तो ये क्लिनिकल डिप्रेशन में बदल सकती है। एंग्शियस तो हो जाते हैं, रहते ही हैं। आई टू समटाइम्स बिकम एंग्शियस, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं यू शुड एंजॉय द जर्नी नॉट द प्रोसेस, कि मतलब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर अल्टीमेटली तो फिर भी ना व्हेन यू आर इन अ वर्क यू हैव टू बी अ लिटिल अलर्ट इन दिस केस। और आपने एक केस तो बताया है फिटनेस का के बारे में। यस, ये जैसे आप बता रहे थे हमें कि वैलिडेशन हम कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहे होते हैं, तो अब ये हो गया है कि हर चीज को ना हम कंटेंट के एंगल से देखते हैं, उसमें से हम ह्यूमन वैल्यू ही हटा रहे हैं। तो अभी जैसे बीच में मैंने इंस्टाग्राम पे ही पढ़ा, एक कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, इनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, इन्होंने एक पोस्ट डाला है जिसका सबसे पहला मैसेज ये है कि आई बिलीव आई एम अ फेल्ड। ओके, अब ये मैसेज किसी को भी हुकअप कर लेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने फेलियर की बातें नहीं करते हैं, सभी को ऐसा परफेक्ट पिक्चर दिखाना है कि मेरी लाइफ तो रॉक एंड रोल पे है, मजे ही मजे हो रहे हैं। तो जैसे फेलियर लिखा तो सारे तो अटेंशन मिल गया, तो इस तरह से हम प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप नेगेटिव चीजें डालो, बट हर कोई ये हैंडल नहीं कर सकता है। अब ये किस उम्मीद में किया है ये तो वही सच बता सकते हैं, कि क्या हमने अटेंशन के लिए किया है या वाकई में हम अपने फॉलोवर्स से चाहते हैं कि अच्छा आप हमें कनेक्ट करने के लिए ये किया, कुछ और कुछ बताओ। यस, बट इसका मुझे एक नेगेटिव पहलू ये लगता है कि कंटेंट ढूंढने के चक्कर में हम लोग इतने पागल हो रहे हैं कि जो हम जिसे कंटेंट बुलाते हैं वो भी एक इंसान है, उसकी भी कुछ फीलिंग्स हैं, उसके भी कुछ इमोशंस हैं, बट हम उसे कंटेंट की नजर से ही देखते हैं, बहुत तोड़ मरोड़ रहे हैं चीजों को।
बहुत कुछ। आप आज देखिए, आज कहीं समझो रोड पे कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, पहले कोई रोकने जाता था, अब पहले लोग फोन निकाल के पहले वीडियो ले रहे होते हैं। इनफैक्ट मेरी जो योगा टीचर आती है, उनका इंदौर में उनके हस्बैंड का मर्डर हो गया। मर्डर होते हुए लोगों ने उसके बालकनी से, किसी ऊपर बालकनी से वीडियो बना रहे, नीचे कोई नहीं आया किसी उसने बचाने के लिए, तो वो वीडियो बना के मतलब डालना है कि यूट्यूब पे डालना है। ये इस तरह से देखिए हमें कैसे इनसेंसिटिव करे जा रहा है, कि हमें बिल्कुल भी वो इमोशनली ट्रिगर ही नहीं कर रहा है कि क्या किसी के साथ गलत हो रहा है। हम कंटेंट के चक्कर में हैं, हम इसका तो वीडियो बनाएंगे और सबसे पहले हम फॉरवर्ड करेंगे और वायरल हो जाए शायद, और उसके लिए शायद पूजा पाठ भी करवा लें। तो हाल ये हो रखा है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कभी आपके पास एजेंसीज बहुत होती हैं, एड रेवेन्यूज होते हैं, ये फ्लक्चुएट करती रहती है इसमें मीडिया में, तो ये जो रेवेन्यू फ्लक्चुएट होते हैं ये क्या अफेक्ट करते हैं आपकी लाइफस्टाइल को, आपके मेकअप को, माइंड मेकअप को, कि भाई अब तो इसमें पैसा इतना नहीं आ रहा, पहले मैंने इतना बढ़ा लिया, अब मेरे को इतना कम करना है, तो फाइनेंशियल इंस्टेबल तो रहते ही हैं सोशल मीडिया पे 100%। इट बिकॉज ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड करियर है, इसमें ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट नहीं है। आज काम है तो कल नहीं है, आज एंडोर्समेंट है तो नहीं है, एंड प्रेशर की मैं रोज क्या नया ले आऊँ, रोज क्या नया ले आऊँ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत टेम्पररी है, चाहे वो फेम हो, चाहे वो फेलियर हो, चाहे आप कोई कंटेंट बना रहे हो, और लगातार करते रहना पड़ता है, तो एक बर्नआउट होता ही है। एंड जैसे आपने कहा कि आज अगर हमारे पास दो एंडोर्समेंट्स हैं तो कल शायद कुछ भी ना हो, बिल्कुल। तो हाँ, अगर आपने ये आपका एंटायर जो जर्नी है सोशल मीडिया का, इन्फ्लुएंसर बनने का, अगर आपके खुद के टैलेंट पे, यानी आप कोई डांसर हो, आप कोई सिंगर हो, कोई भी टैलेंट अलग अलग तरीके के, फिर आपकी जर्नी थोड़ी बहुत एटलीस्ट इजी हो सकती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पे अगर आपका बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट है तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, क्योंकि मैंने तो देखा कि अच्छे अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर कोई एजुकेशनल वो कुछ लेके आ रहे हैं, प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, कुछ बिजनेस में चले गए, कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि उनको पता है कि ये स्टेबल नहीं है और शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ पे हर चीज, हर दूसरे दिन तुम सेम चीज से तो बोर हो जाओगे, तुम्हें नया ही नया चाहिए, बिल्कुल। तो इतना शॉर्ट लिव्ड है, तो उस वजह से इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। नया टैलेंट आता रहेगा, नया एंटरटेनमेंट आता रहेगा, तो आप अपनी सिक्योरिटी कहाँ से उनके पास चले जाएंगे, बिल्कुल। सो माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स इतने कमिट सुसाइड कर रहे हैं, मतलब मे बी कोई न्यूट्रिशन में है, कोई किसी में है, मेरे को तो कहीं बहुत सुनने में आया है, कोई तो सेल्फी नीचे खींचते खींचते नीचे गिर गई, मतलब कि वो डालनी थी उसको क्लिफ के ऊपर, और वो तो इतने सुसाइड हो रहे हैं, और उनकी फिजिकल हेल्थ इतनी डिटोरेट हो रही है, स्लीप डिसऑर्डर, सिडेंट्री लाइफस्टाइल से, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? जैसे हमने बात की कि ये कंटेंट का जो चक्कर है ना, ये बहुत वॉलेटाइल चक्कर है, इसमें कांस्टेंट एक प्रेशर बना रहता है कुछ नया लाने का, कुछ नया लाने का। एंड क्योंकि इस दुन ये प्रोफेशन में या इस फील्ड में बेसिकली आपको बहुत शॉर्ट लिव्ड है आपका फेम, बहुत शॉर्ट लिव्ड है आपकी जर्नी, क्योंकि यहाँ पे नयापन बहुत जल्दी जल्दी चाहिए लोगों को। तो आज अगर आपके पास पॉपुलैरिटी है, एंडोर्समेंट है, तो आपने कंटिन्यू उसे रखने के लिए बहुत नया चीज करना, तो इसका प्रेशर इजी नहीं होता है। फिर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, फेम की इंस्टेबिलिटी हो जाती है, एंड इतने आप इसमें घुस जाते हो कि आपका सोशल एनवायरनमेंट आपसे छूटता जाता है, पर्सनल लाइफ में ये आ जाती है, क्योंकि हर चीज आप कंटेंट एंगल से देख रहे हो, तो उस चक्कर में बहुत सारे लोग प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिए एक दूसरा स्टेबल करियर ऑप्शन भी साथ में पैरेलली रखिए। जैसे आपने कहा कि अभी लोग कोई पॉडकास्ट में जा रहे हैं, कोई अपनी रेस्टोरेंट्स खोल रहे हैं, कोई अलग अलग बिजनेस में जा रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है, मतलब एक दूसरा बिजनेस होना बहुत जरूरी है, बैकअप चाहिए ही चाहिए, सिर्फ अकेले एक ही इंडस्ट्री पे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीलिंग आ जाएगी कि कितना आप नया निकालोगे, बिल्कुल। और वही लाइफस्टाइल में फिर आपकी हेल्थ भी लूज कर रहे हो आप, बिल्कुल। वो परफेक्शन का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है एंड कंटेंट क्रिएशन का, कि वो इजी नहीं होता है। अब बाकी सब जॉब में कैसे है,
कि 9 to 5 आपने काम किया, आप स्विच ऑफ कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसिंग काम ऐसा है क्योंकि आप 24 घंटा कंटेंट के पीछे भाग रहे हो। बिल्कुल। तो ये प्रेशर, मेरे को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक साल हो गया, मेरे को ऑलमोस्ट एक साल हो जाएगा कि हाउ शुड आई मूव अहेड इन दिस फील्ड? सी द फील्ड इज वेरी नाइस, आपका इंटेंशन यहाँ पे अगर सही जगह है कि मुझे लोगों को एडुकेट करना है, मुझे लोगों को सही सब बताना है, सो नथिंग कैन गो रॉन्ग। खाली आपने टाइमली डिटॉक्स करना चाहिए, ये यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली दिमाग चला रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया कंटेंट के बारे में सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ से मेंटल फटीग बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक डिटॉक्स लीजिए, एक ब्रेक लीजिए एंड फिर दोबारा फ्रेश होके आइए, ये जरूरी, क्योंकि आपके ऑफिस आवर्स तो है नहीं कि आप शाम में जाओ और कट ऑफ कर लो, तो इट इज बेटर कि अपना कैलेंडर इस हिसाब से रखिए कि आप ओवर बर्न आउट ना हो जाए, डिटॉक्स इसमें लाते रहिए। बिल्कुल। सो आखिरी में मैं अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगी कि सोशल मीडिया भी ज़रूरी है, क्योंकि आपका एक अच्छा टाइम पास है और आपको एंटरटेनमेंट भी मिलता है, पर उसके संग संग आपको कई जिम्मेवारियाँ भी आ जाती हैं कि आप किस हद तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं, या किसी पे आप ट्रॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना हद तक सही कर रहे हैं। तो और कई ऐसे वाक्या भी आए हैं, बाहर की एक जो आजकल फेमस डांसर सिंगर हैं किम दर्शियान, उनके भी होटल से उनकी सब ज्वेलरी रॉब कर दी गई। क्यों रॉब कर दी गई? क्योंकि वो अपनी सोशल मीडिया पे अपनी लाइफस्टाइल और ज्वेलरी बहुत फ्लॉन्ट करती थी, तो उनको रॉबर्स ने ये कहा कि आप इतना ज़्यादा फ्लॉन्ट करते थे, इसी वजह से मैंने आपकी रॉबरी करी है। और एक थी हीरोइन जो कुछ साल पहले मलयालम सिनेमा में आई थी, प्रिया प्रकाश वॉरियर, उसने एक गाने में एक अपने बॉयफ्रेंड को क्या आँख मार दी कि वो केरला मलयालम इंडस्ट्री उसके पीछे पड़ गई, मतलब केरला के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आपने हर्ट किया है और आपको तो अब लीगल नोटिस आएगा ही आएगा। तो वो काफ़ी दिनों तक तो लीगल लड़ाई लड़ती गई। मैं ये कहना चाहूँगी आप लोगों से कि आप सोशल मीडिया पे को यूज़ कीजिए, आप सोशल मीडिया पे रहिए, पर एक अच्छे लोगों की जैसे निराली जी से, आपका क्या है मतलब चैनल जो आपका संस्था का नाम है साइबर बाप, विच स्टैंड्स फॉर साइबर बुलिंग अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। तो आप इनकी सहायता ले सकते हैं अगर आपके ट्रॉलिंग या बुलिंग हुई है। मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए, अच्छी ज़िंदगी जिए और दूसरों को भी अच्छी ज़िंदगी जीने दें। धन्यवाद।